आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं धूप बत्ती का पूरा ड्रम भर चुका है, फाइनली आपको मैं दिखाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। फाइनली आज हम आ गए हैं पहली बार गढ़वा घाट पर, जहाँ पे हम जल भरने वाले हैं और यहाँ से निकलेंगे हम लोग। अभी लगभग पूरी रात चल के पहुँचेंगे लगे इतना शिव मंदिर, जहाँ पे हम जल चढ़ाने वाले। फाइनली अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालुओं का भीड़ है गाइस। और मेरा ये फर्स्ट कांवड़ है, पहली बार मैं जा रहा हूँ, और देखते हैं आगे होता क्या है। फाइनली आप वीडियो आगे तक बने रहे गाइस। फाइनली आप देख सकते हैं दुकानें सज चुकी हैं और आप देख सकते हैं रोड पे कितने ज़्यादा कांवड़ियों की भीड़ है। और फाइनली अब यहाँ से अभी निकलते हैं नदी के पास, और जहाँ पे अभी हम लोग नहाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे कांवड़ के लिए। और बहुत ज़्यादा अद्भुत और अलौकिक होने वाला है, क्योंकि ये रात के बजे नौ कांवड़ियों की भीड़ निकल चुकी है, और मॉर्निंग 5 बजे से ही कांवड़िया जा रहे हैं, जिसको जितनी दूर जल चढ़ाना है उस हिसाब से निकल रहे हैं। और फाइनली रात के 8:30 बजे हैं, अब यहाँ से हम भी जा रहे हैं घाट की ओर, जहाँ पे अब हम लोग नहाएंगे फिर वहाँ से जल भरेंगे, और वहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग जल चढ़ाने वाले हैं। और गाइस फाइनली हम घाट की ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सुविधा हो गई है, पूरा रोड साफ है। फाइनली आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। गाइस फाइनली हम घाट के पास पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे देख कितना ज़्यादा भीड़ है, और नीचे कीचड़ कीचड़ है, बहुत जबरदस्त स्टॉक आज का होने वाला है। और गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है इस टाइम, रात के बजे हैं 9:30, और भीड़ देख लीजिए भक्तों का। हम इस टाइम खड़ेंगे दोस्तों, सीधा ये गढ़वा दोस्तों, आप देख सकते हैं सज्जे किनारे सारे लोग नहा रहे, सारे सेवक यहाँ पे पहले नहाते हैं, यहाँ से जल भर के सीधा निकलेंगे हम। यहाँ पे नाव वालों को लगा रखा है कि फाइनली यहाँ पे दिक्कत ना हो किसी को, पानी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। शिव भक्त लोग अंदर से जल भर के आए, और यहाँ पे पहले पूजा होगा, शायद 7 बार घूम के यहाँ से पूजा का करके निकलते हैं। तो जल भर के पूजा पाठ करके सीधा निकल चुके हैं, और आज का जो जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मेरा फर्स्ट कांवड़ हर जगह पे छोटी छोटी खाता रहूँ। और फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल के सीधा चलते हैं, और वीडियो बहुत जबरदस्त है, वीडियो करके बन रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं हुजूरपुर हनुमान मंदिर पे, और यहाँ पे आप देखते हैं शिव भक्तों की लाइन। रात के बजे 11:30, और सभी कांवड़िया चल रहे हैं पद यात्रा में, और हम भी इनके साथ साथ हम भी चल रहे हैं। और यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर बचा है बागेश्वरनाथ शिव मंदिर, जहाँ पे अभी हम जल चढ़ाएंगे, और चलते सीधा वहीं पे मिलते हैं आपको वीडियो में। लाइन लगी हुई है, आप देखते हो यहाँ से लेकर बागेश्वरनाथ तक ऐसे ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए, देखो लाइन है 1 किलोमीटर दूर तक लाइन, और यहाँ पे हम लाइन लग गए हैं। दोस्तों आप देखो कितनी लंबी लाइन है, फाइनली आप देख सकते हैं। बागेश्वरनाथ मंदिर कितना ज़्यादा सजा हुआ है, और भीड़ की बात की तो भीड़ तेल डालने की जगह नहीं है, और लाइन बहुत लंबी लग रही है।
दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दिए लाइक। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।